रणवीर कपूर की सबसे पहली मूवी का नाम था सावरिया। इस मूवी में रणवीर कपूर के साथ अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर मुख्य भूमिका में थी और यह मूवी रणवीर कपूर और सोनम कपूर दोनों की ही पहली मूवी थी। मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी का बजट 45 करोड़ था। इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 22 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 39 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। रणवीर कपूर की दूसरी मूवी का नाम था बचना ए हसीनो, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 23 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 36 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 62 करोड़ की और यह मूवी हिट साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था वेकअप सिड, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को 18 करोड़ के बजट में बनाया गया था। भारत में कमाई की थी 27 करोड़ की, पूरी दुनिया से कमाई की थी 47 करोड़ की और मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ के बजट में बनने वाली इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 64 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 101 करोड़ की और मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। अगली मूवी का नाम था रॉकेट सिंह, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट केवल 16 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 20 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 33 करोड़ की और मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी राजनीति। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 93 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 145 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। यह मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। अगर आपकी भी यह फेवरेट मूवी है तो कमेंट बॉक्स में इस मूवी का नाम जरूर लिखें। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था अनजाना अनजानी। इस मूवी का बजट 38 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 40 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 68 करोड़ की और मूवी एवरेज साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था रॉकस्टार। मूवी का बजट 60 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 61 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 108 करोड़ की और मूवी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी बर्फी। इस मूवी का बजट केवल 40 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 112 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 175 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट रही थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी। यह मूवी 75 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। भारत में कमाई की थी 188 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 318 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था बेशरम। इस मूवी में रणवीर कपूर के पिता ऋषि कपूर और मम्मी नीतू सिंह भी दिखाई दी थी। इस मूवी का बजट 83 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 59 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 95 करोड़ की। यह मूवी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी और फ्लॉप साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था रॉय। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 44 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 56 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी बॉम्बे वेलवेट। इस मूवी का बजट 115 करोड़ था, जिसने भारत में केवल 23 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 43 करोड़ की और मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी तमाशा। इस मूवी का बजट 87 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 67 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 136 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था ए दिल है मुश्किल। इस मूवी का बजट 70 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 113 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 240 करोड़ की और मूवी सुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी जग्गा जासूस। इस मूवी का बजट 125 करोड़ था। भारत में कमाई की थी केवल 54 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 83 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई थी संजू। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था, जिसने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 342 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 588 करोड़ की और मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह मूवी भी मेरी फेवरेट मूवी है। अगर आपकी भी यह फेवरेट मूवी है तो इस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था शमशेरा। इस मूवी के बजट के बारे में पता नहीं चल पाया है। मूवी ने भारत में कमाई की थी 40 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 60 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। रणवीर कपूर की अगली मूवी का नाम था ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। इस मूवी के बजट के बारे में पता नहीं चल पाया है। भारत में इस मूवी ने 267 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 431 करोड़ की और मूवी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद रणवीर कपूर की मूवी आई थी तू झूठी मैं मक्कार। इस मूवी का बजट लगभग 70 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 147 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 223 करोड़ की और मूवी हिट साबित हुई थी। रणवीर कपूर की लास्ट मूवी का नाम था एनिमल। इस मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है। मूवी ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 553 करोड़ की कमाई की थी, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 915 करोड़ की और मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर आप हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा, रेखा, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी
बनर्जी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, उर्मिला मातोंडकर, कैटरीना कैफ और डिंपल कपाड़िया जैसी बॉलीवुड की सौ हसीनाओं की पहली फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजय दत्त, सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, देव आनंद, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जैसे बॉलीवुड के 50 सुपरस्टार्स की पहली फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने सामने दिखाई देने वाली प्लेलिस्ट पर जरूर क्लिक करें। अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।